सो इाइज वेलकम बैक आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में केमिस्ट्री विदाउट रिएक्शन कुछ भी नहीं है और अगर आपने केमिस्ट्री की रिएक्शन एक बार अच्छे से समझ लिया पढ़ ली तो आपको सारे चैप्टर करने में आसानी हो जाएगी केमिस्ट्री के तो आ, बो ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताने वाला हूँ रिड्यूस सिलेबस में से और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आ, फर्दर बात करते हैं मेरे पास ये पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आ, सबसे पहले इसमें आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन तो यहाँ पर आपको बैलेंसिंग जरूर सीखनी पड़ेगी और बैलेंसिंग की एक वीडियो डाल रखी है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन उस पर अगर आप सर्च में डालोगे तो मेरी वीडियो मिल जाएगी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इशार पार्शल लिखकर वीडियो आपको मिल जाएगी आ, अब बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए कौन सी होगी तो ये वाली जो रिएक्शन है एफ पी एच टू ओ थ्री फोर एस टू मैं आपको एक चीज क्लियर कर दू एनसीआर टी की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एनसीआर टी की ही आती है आपके एग्जाम में ठीक है तो एनसीआर टी की रिएक्शन आपको जरूर करके चाहनी है यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट यही है एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर यह मिल सकती है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकते हैं आपके लिए ठीक है एक रिएक्शन है सी ए प्लस एस टू गिव सी एच का होल्ड टॉइस ठीक है uh, बुक पे नहीं लिख रहा हूं मैं सी uh, ए ये वाली रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना सी एच का होल्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन आपको जरूर पढ़ के जानी है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ठीक है चलिए नेक्स्ट uh, तरफ मूव करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन मैंने लिखवाई थी आपको भी क्विक लाइन प्लस एस टू इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इसको जरूर करके जाना एनसीआरटी uh, की रिएक्शन आदि सारी मैं आपको क्लियर बता दू नेक्स्ट uh, ग्लूकोज की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है सी सिक्स एस टूल्व ओ सिक्स गिफ्स ए, प्लस सिक्स ओ टू एक्वासोल्यूशन में गिफ्स सिक्स सी ओ टू प्लस एस टू प्लस एनर्जी जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएट कर ग्लूकोज मतलब खाना जो हम खाना खाते हैं और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं एच टू ओ वाटर में कन्वर्ट हो जाता है यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है और एनर्जी एनर्जी मतलब जिससे हम डेली लाइफ के काम कर लेते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट दिस रिएक्शन आल्सो इम्पोर्टेंट रिएक्शन एफ ये रिएक्शन आई थी 2018 में आप चेक कर सकते हैं एफ ई को हम हीट करा तो इसने क्या बनाया एफ ई टू ओ थ्री प्लस एसओ टू प्लस एसो थ्री एफ ई फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर के दो मोलिक्यूल और दो कंपाउंड निकल जाते हैं एक एसो टू की फॉर्म में एक एसो थ्री की फॉर्म में इट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन ओके नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ की तरफ एंड चलिए सी ए सी ए सी ओ थ्री लाइम स्टोन होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है जब हम इसको हीट uh, करते हैं तो क्या होता है ये यहाँ से कार्बन uh, डाइऑक्साइड निकलते हैं खाली तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग आ जाएगी और ओ टू अलग आ गया तो खाली ओ बच गया तो ये क्या बन जाएगा सी ए ओ ओके चलिए चलिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है दो हज़ार उन्नीस में आई हुई है ये देखिए आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन 2019 में आई हुई है लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट है और इसको जब हमने हीट करा तो ये क्या बना लेड ऑक्साइड देखो नाइट्रेट अलग हो जाता है जब हम हीट करते हैं तो नाइट्रेट या सल्फोनेट या सल्फेट, या सल्फेट ये सब अलग हो जाते हैं ये ऑक्साइड बन जाता है नाइट्रेट अलग निकल जाता है हाइड्रोजन अलग निकल जाए इस रिएक्शन को जरूर पढ़ना पी बी एनओ थ्री का होल्ड टॉइस गिफ्स टू पी बी ओ प्लस एनओ टू प्लस ओ टू जो नहीं पड़ेगा ना वो धोखा खा जाएगा ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन आर ठीक है ये एक अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए आ, मैं आपको इसमें बताऊं ये है डी कंपोजिशन रिएक्शन और डी कंपोजिशन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है एजीसीएल सनलाइट के फॉर्म में अगर आपको सनलाइट के फॉर्म में कोई रिएक्शन लिखो तो ये रिएक्शन छाप देना 2018 में क्वेश्चन आया था अगर आपसे कहे कोई हीट के फॉर्म में रिएक्शन लिखो तो ये छाप देना मजा आ जाएंगे ठीक है अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है ये 2019 में आया हुआ है मैंने पहले से टिक कर रखा है आपके लिए फ़ेरक एफ ई प्लस सी ओ एस सी यू एस ओ फोर गिप्स एफ ई एस ओ फोर प्लस सी यू आ, ये क्या है फेरस मतलब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिप्स फेरिक सल्फेट और ये आयरन सल्फेट प्लस कॉपर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बस ये याद करनी है आपको इधर इधर मूव करते हैं इसमें से ये वाली रिएक्शन याद कर लेना इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन दोनों एक ही साथ है ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस वाटर ठीक है चलिए अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन मुझे यहाँ मिलती जा रही हैं और ये रिएक्शन का तो तोड़ ही नहीं है भाई साहब 2018-19 में आया हुआ लगातार इसमें क्या है एन ए टू सी ओ थ्री मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हमने मिलाया मिक्स करा एक ट्यूब में तो क्या बना सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ये याद रखना सोडियम सोडियम बाय कार्बोनेट को भी अगर हम एस एल के साथ करेंगे तब भी सेम कंपाउंड बनेगा ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं लाइम वाटर होता है सी ए ओ एच का होल टू आइज जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करता है तो ये बन जाता है सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन ये इंपॉर्टेंट है इसे जरूर याद करके चलना और जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में फिर से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये बना लेता है इन वाटर कैल्शियम हाइड बाय कार्बोनेट ठीक है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है जो कि आपके लिए चूना पत्थर जो होता है उसके लिए, उसके लिए काम करता है अब एसिड और वाटर की रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताऊं ये वाली रिएक्शन याद करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए आगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मुझे अभी तक तो कोई लगी नहीं है यस yes, फिर से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन सोडियम एन एस सी ओ थ्री को अगर हम हीट कर दें तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस एस टू ओ प्लस सी ओ टू ठीक है यहाँ पे ये हम बात करेंगे इसकी बेकिंग सोडा की ठीक है तो uh, यहाँ पर बेकिंग सोडा है हमारा यहाँ पर ठीक है और एन ए एस सी ओ थ्री डेट इज़ बेकिंग सोडा ये रहा ठीक है एन सी ओ थ्री अब बेकिंग सोडा बनाएंगे कैसे एन एस सी एल पानी कार्बन डाइऑक्साइड और एन एस थ्री अमोनिया को जब हम आ, 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 मिक्स कर देंगे पास कर देंगे अमोनिया को इन सब के साथ तो ये बनाएगा अमोनियम क्लोराइड और एन ए एच सी ओ थ्री डैट इज़ ये क्या हमारा ये क्या हमारा बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा और जब हम बेकिंग सोडा में हीट करके ये पास कर हीट कर देंगे बेकिंग सोडा को तो ये बनाएगा एन ए टू सी ओ थ्री का होल थ्राइस मैं हाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ पूरी रिएक्शन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसलिए मैं आपको बार बार लिख के दिखा रहा हूँ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है देखो NACL बना समझ के चलो CO2 बना और एनएच ये तो याद कर लो एन एन से दो है एस टू कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो भैया रहेंगे एन से एन और एन से एन इसमें क्या बनाएगा देखो एक तो बनेगा एनएच थ्री तो अब लिखेंगे नहीं भाई कार्बोनेट कुछ तो फॉर्म हुआ होगा प्रोडक्ट में तो एन एच फोर सी एल प्लस एन ए एच सी ओ एरा सी ओ थ्री ठीक है एन ए एस सी ओ थ्री अब अगेन मैंने एन ए एस सी ओ थ्री को फिर अगेन क्या करा दिया हीट करा दिया तो ये क्या बना एन बन गया अगेन एस भैया फिर से निकलेगा और भैया कार्बन डाइऑक्साइड फिर से निकलेगी ये ध्यान रखना ये कार्बन डाइऑक्साइड ये इसलिए यूज होती है आपने देखा आप जब ढोकला बनाते हैं तो उसमें छेद छेद हो जाता है ढोकला बनाता है तो उसमें बीच में छेद छेद हो जाता है कहीं या फिर आपने इडली देखी होगी उसमें बीच में छेद छेद हो जाता है वो इसलिए होता है स्पंजी इसलिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ठीक है ये 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 जो है क्रिस्पी और स्पंजी स्पंजी बनाता चीज को बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको मैंने बता दिया आज एक एकड़ लो बेड़ा पार हो जाएगा 2019 में आई हुई है रिएक्शन एस सी एस सी सी एस ओफ और हाफ डॉट हाफ एस टू प्लस हाफ एस टू ओ गि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम बोलते हैं इसे और टू एस टू ये पी ओ पी की रिएक्शन है आगे मेटल एंड नॉन मेटल डैट इज ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर आपका ये वाला कट गया एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल वाला कट गया यहाँ पर आपका बट बहरहाल कोई बात नहीं अगेन फिर से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकल कर आ रही है अगर हम सोडियम को वाटर में पास कर देंगे या सोडियम को पानी में घोल देंगे तो क्या बन जाएगा एन ए एन ओ एच एच टू और हीट एनर्जी निकल जाएगी ब्लास्ट हो जाएगा एकदम ठीक है ना कैल्शियम को अगर हम पानी में मिला देंगे तो क्या बनेगा सी एच को होल्टोइस कैल्शियम क्या बनेगा सी ओ एच को होल्टॉइस प्लस एच टू ये भी ब्लास्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी आपकी टू ए एल थ्री एस टू ओ एल टू ओ थ्री प्लस एस टू एक चीज याद कर लो सारी याद हो जाएंगी मेटल ऑक्साइड हुआ जब हम वाटर रिएट कर देते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है इसका ये रिएक्शन आपको जरूर पढ़नी है क्योंकि दो हजार अट्ठारह सत्रह उन्नीस तीनों में आई है बाकी सारी रिएक्शन आपकी सेम होंगी क्योंकि कार्बोनेट सॉरी कार्बन वाले चैप्टर में से भी कुछ चीजें कट गई हैं आपकी तो मैं ये चैप्टर कराऊंगा नहीं तो आ, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन करवाई थी आपको रिड्यूस सिलेबस में से जो 2019 में आपका सॉरी जो आपका 2021 में आने वाले क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट तो वो मैंने आपको करा दी और अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी लगी तो लाइक करें वीडियो को शेयर करें अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय